हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 12th। इस थियरी को अच्छी तरह से पढ़ना, स्पेशली एमसीक्यू ऐसी का एकदम अच्छी तरीके से उसको पढ़ना, लिख के प्रैक्टिस करना, ओनली देन ये थियरी अच्छी तरीके से आएगी। सबसे ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर से कुछ आने का, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ध्यान से एकदम। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ में, व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके बाद अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक सिंपल सा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। दैट मींस कि वो चार्जेस को स्टोर करता है, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर कर सकता है, दोनों एक ही है। अगर वो चार्ज स्टोर कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर एक्चुअली में क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, और जब उसको जरूरत हो, जब हमारे सर्किट को जरूरत हो, तब वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। नाउ ये हो गया कैपेसिटर का बात। उसका एक सिंपल सा अगर कंपैरिजन करें तो जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करो तो कंप्रेस करने पे क्या होगा? जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगा दैट वुड बी स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और जब जरूरत हो तब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने आपके घर में अगर आपको देखना हो कि कैपेसिटर्स कहाँ पे हैं, तो आपके जो पंखे होते हैं, फैंस, उसमें आपको कैपेसिटर जरूर मिलेगा। उसके अलावा जितने भी आईसी सर्किट्स होते हैं उसमें भी आपको कैपेसिटर्स अच्छी तरह से मिल जाएंगे। सर्कुलर से, इस तरह से सर्कुलर शेप में होते हैं, आप नेट पर उसका फोटो देखेंगे आपको इजिली मिल जाएगा। तो ये हो गया कैपेसिटर का बात। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कैपेसिटेंस। अब जैसे कैपेसिटर एक डिवाइस है तो उसका एबिलिटी कितना है, कितना हद तक वो स्टोर करके रख सकता है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग देते हैं कैपेसिटेंस में। सो कैपेसिटेंस इज जस्ट द कैपेसिटी दैट हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड, कितना एनर्जी एक कैपेसिटर स्टोर करके रख सकता है, उसकी वैल्यू हम उसके कैपेसिटेंस के तौर पर दे सकते हैं। उसका यूनिट है फैराडे। अब सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अगर कैपेसिटर्स की है, देन दैट इज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ एज द नेम सजेस्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स हैं, पैरेलली रखी जाती है, और उसमें दो कंडीशंस रखी जाती है। ये दो प्लेट्स मैंने बताई है आपको, ये दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, एरिया ऑफ प्लेट्स शुड बी सेम, मतलब इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा। सेकेंड थिंग इज कि ये दो प्लेट्स है तो दो प्लेट्स के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। लेट दैट गैप और द डिस्टेंस बी डी। देन अदर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वुड बी दैट डी शुड बी मच 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 लेसर देन ए। ये कंडीशन किस लिए जरूरी है? बिकॉज इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें चाहिएगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आएगा चैप्टर नंबर 1 से, जो हमने इनफाइनेटली प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, दैट वॉज एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हमें इस डेरिवेशन में भी यूज करना है। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम डी की वैल्यू रखेंगे, दैट वुड बी मच 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 स्मॉलर देन ए। अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेरिवेशन। हमें इसमें चाहिए क्या कि हमें फाइंड करना है व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमें ये चाहिए, सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अब हमने थियरी में पढ़ा था कि सी कैपेसिटेंस है, और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे दे सकते हैं, उस कैपेसिटर में कितना चार्ज है डिवाइड बाय उसका, उस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज डिफरेंस है। अगर हम लोग इधर देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी जो होगा, उसमें हम लोग इन दोनों में ये रखते हैं कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इसमें अगर क्यू चार्ज है तो इसमें भी क्यू चार्ज होगा। द डिफरेंस वुड बी कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दोनों ही प्लेट्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हमें रखना है। दैट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स वुड गिव अस कैपेसिटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ये प्लेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लेट्स का एरिया ए है, एंड बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कंडक्टर से बने होते हैं, तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि दोनों प्लेट्स जो है वो कंडक्टर है। अब कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो क्या होता है कि वो कंडक्टर के अंदर नहीं होगा, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जितना भी चार्ज होगा पूरे कंडक्टर, पूरे के पूरे प्लेट का, दैट वुड बी स्प्रेडेड ऑल ओवर द सरफेस। इसलिए इसका आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसका प्लस सिग्मा होगा, जो नेगेटिव प्लेट होगा उसका माइनस सिग्मा होगा। इधर तक अपने को समझ में आया। अब क्या हो रहा है कि चार्जेस तो पूरे के पूरे प्लेट्स में स्प्रेडेड है, मैंने खाली इसको इधर बीच बीच में बताया। रीजन इज
कि ये दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हैं, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव वाले इस तरफ आ जाएंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ये इधर जाएंगे नहीं, बिकॉज इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, दैट इज हम लोग कहेंगे कि बीच में वैक्यूम है या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, ये आगे की थियोरी में भी आएगा कि जो डी है हमारा दैट शुड हैव आइदर अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट और इट शुड हैव वैक्यूम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर मोटा मोटा देखें तो है क्या, दो इक्वल एरिया की प्लेट्स हैविंग सेम चार्ज अपोजिट इन पोलैरिटी एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डी, मतलब दो प्लेट्स सेम चार्ज की और बीच में एक डिस्टेंस होगा डी। प्रेरणा ध्यान से, अब नेक्स्ट क्या हमें करना है कि हमें इसमें सी इज इक्वल टू क्यू अपन बी निकालना है। क्यू तो हमें पता है कि हमारे पास चार्ज क्यू है तो क्यू तो मिल जाएगा, अब हमें बी निकालना है। बी की फॉर्मूला क्या है, ई इंटू डी, ये भी हमने प्रीवियस थ्योरी में कर लिया है। अब एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना पड़ेगा, डी तो हमारे पास ही है ऑलरेडी, तो हमारे पास बचता क्या है, पूरा का पूरा निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम लोग ये करेंगे कि इसको तीन एरिया में बांट देते हैं, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकेंड एरिया और ये थर्ड एरिया। ओके, तीनों एरियाज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं एंड बाद में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लोग इधर डालेंगे। अब जब फर्स्ट एरिया की बात करें तो जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है, कि तीन एरियाज में डिवाइड कर दिया, तीनों को एक एक पॉइंट में मार दो, एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो, एक पॉइंट इधर ले लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर मैं नोट डाउन करूं सो इट वुड बी गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है तो इट शुड ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव वाले टुवर्ड्स द चार्ज आएगी, तो ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, टुवर्ड्स द चार्ज अप्लाई करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे ऐसे आएगा। अब बिकॉज दोनों के दोनों प्लेट्स का डायमेंशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आने वाली है, सो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वन का पार करूं इन एरिया वन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट वुड बी ये ई प्लस माइनस ई माइनस, ई प्लस क्या होगा, दैट वुड बी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, बिकॉज मैंने आपसे कहा था ना कि ये हमें इनफाइनिटली प्लेन शीट वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी उसमें, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। सिमिलरली नेगेटिव वाले का भी यही रहेगा, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जीरो इस पॉइंट पे, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहने वाली है बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सिमिलरली पहले थर्ड वाले का देख लेते हैं, थर्ड वाले में भी सेम ही केस होना है, अगर इस पॉइंट पे देखें तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज टूवर्ड द चार्ज जाएगा ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा तो नीचे की तरफ, तो सेम टू सेम जैसे एरिया वन में किया वैसे के वैसे एरिया थ्री में आएगा, दैट वुड ऑल्सो बी, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, तो दैट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सो दैट वुड ऑल्सो कम आउट टू बी जीरो। अब कर लेते हैं इस पॉइंट पे, सेकेंड वाले पे बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं। अब बीच के पॉइंट में देखें तो बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज इस तरफ जाएगा राइट, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव वो भी इसी तरफ जाएगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इन एरिया टू क्या होगा, हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई दैट वुड बी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन विच वुड इन टर्न बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन राइट। ओके, तो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कैपेसिटर का, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ए इंटू डी राइट, ई की वैल्यू क्या है अपनी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी, सो व्हाट यू गेट इज वी इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन। अब ये मिल गया हमें, लास्ट गोल क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट वाज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो क्यू की वैल्यू अगर हम लोग वी की वैल्यू डालें तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू आई हमारी सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन। नाउ हमें एक चीज और पता है कि सिग्मा क्या होता है, नाउ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको कैसे बताते हैं हम लोग, दैट इज क्यू अपॉन ए राइट। हम सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा चार्ज अपॉन एरिया बताते हैं, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट चार्ज वुड बी सिग्मा इनटू ए।
तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें देन चार्ज वुड बी गिवन एज सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा इंटू डी. तो सिग्मा सिग्मा विल गेट कैंसल एंड जो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा सी दैट वुड बी ए एप्सिलॉन अपॉन डी दैट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. मैं वापस आपको बता दूं कैपेसिटेंस वुड बी ए इंटू सिग्मा अपॉन डी दैट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इंडिकेट्स कि हमारा जो कैपेसिटेंस है ना वो सिर्फ जो हमारे प्लेट्स हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है. देखिए एप्सिलॉन तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, बचा कौन सा एरिया एंड डी. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड एरिया इज द प्लेट ऑफ द एंड एरिया ए वुड बी द एरिया ऑफ द प्लेट्स. सो दैट मीन्स के हमारा जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन उसमें चार्ज कितना है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि उसका एरिया कितना है. जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, मतलब उतना ज्यादा वो एनर्जी स्टोर करके रख सकता है. तो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन था फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी तो अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिस करिएगा. अगर अच्छी तरह समझ में आया देन वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेगा. थैंक यू.